अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मोहर्रम का शरबत। मैं हमेशा चाशनी वाला शरबत बनाती, लेकिन अभी जरा पल्प वाला बना रही हूँ। लेकिन मैंने बाहर से पल्प नहीं लाई, मैंने मैंगो लाकर उसका पल्प बनाई। हाँ, और मैं भी थोड़ा सा बना के टेस्ट कर रही हूँ। हाँ, और बाकी का इसमें सब मिलाने के बाद में पल्प इसमें मिलाने, और ये दूध है जो मैंने इसको शक्कर वगैरह डाल के अच्छे से तरीके से पका ली। हाँ, और ये पल्प भी बना ली हूँ, ये शक्कर डाल के इसको भी पका ली। और ये यहाँ पर ये ग्लास में मेरे को गार्निश करने के लिए जो सामान लगेगा वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रखी हूँ, बाकी का वो दूध में सब डाल दूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने निकाल दी हूँ इसको, बताई ना मैंने इसमें शक्कर डालकर इसको अच्छे से बॉईल करके पका लियो। ये देखो माशाल्लाह मलाई भी जम गई। अब ये पल्प है ना पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंगो का पल्प है, आम लाकर मैंने इसको पूरा ये किया। अब इसको मैं पूरा अच्छे से मिला दूंगी। हाँ, तो इसमें कलर भी आ जाएगा, मैंगो का फ्लेवर भी आ जाएगा। कोई मैंगो फ्लेवर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह इसमें खुद मैंगो का फ्लेवर आ गया। ये मैंने जो पल्प डाली थी ना इसको अच्छे तरीके से मिलाकर ये देखो लेकर आई। हाँ हाँ, ये दूध और पल्प एक हो गया। हाँ, अब इसके अंदर हम ये पल्प डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अच्छा ठीक हो गया। हाँ, ये देखो ये हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर मैंगो पीसेस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखो ये मैंगो पीसेस, और बाकी का जो मैंने बनाई हुई ना इसमें मैं अलग डालूंगी, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको तरीका बताने के लिए मैं सब इसमें डाल रही हूँ। हाँ, अब इसके अंदर डालेंगे मिल्क मेड थोड़ा। अब इसके ऊपर डालेंगे हम बादाम। इसके ऊपर थोड़े डालेंगे काजू, और इसके ऊपर डालेंगे चाट। इस पे और थोड़े सा मैंगो पीसेस डाल देंगे। अब ये मैंने आपको तरीका बताई, आप इसी तरीके से बनाएं, और ये एकदम ठीक और अच्छा वाला शरबत है मुहर्रम का। आप बनाएं और नोश फरमाएं।